छात्रों, पूर्व की कक्षा में, पूर्व के कारांशों में अपनों ने कॉकरोच के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉकरोच के तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज अपन कॉकरोच के अंतःस्रावी तंत्र और समिति तंत्र के बारे में बात करेंगे। पहले हम अंतःस्रावी तंत्र की बात करें। इसको पढ़ने से पहले एक शब्द हमारे दिमाग में आना चाहिए, वो है ग्रंथियां। ग्रंथियां विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कोई न कोई रस उत्पन्न करती है। इन ग्रंथियों को या उन रसों को अपन हार्मोन कहते हैं। ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। जैसा कि हम पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, छोटी कक्षाओं में, अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनके रसों को या हार्मोन को ले जाने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए नलियां नहीं पाई जाती हैं। इनमें कोई ट्यूब्स नहीं होते, भी नलियां नहीं होती हैं जिससे कि हार्मोन प्रोवाइड होकर किसी विशेष अंग तक पहुंच जाए। ये ग्रंथियां अपने हार्मोन को सीधा रक्त में डाल देती हैं और रक्त के माध्यम से यह हार्मोन शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है। इसलिए इनका नाम रखा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। और चूंकि ये पूरा ग्रंथियों का तंत्र है, इसलिए इसका नाम रखा गया है अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र अपने काम को पूरा करने के लिए एक और तंत्र की सहायता लेता है, उस तंत्र का नाम है अंतःस्रावी तंत्र। आगे बात की अंतःस्रावी तंत्र का मतलब होता है कि हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो भी किसकी? कॉकरोच की अंतःस्रावी ग्रंथियां। कॉकरोच में तीन प्रकार की कोशिकाएं या ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली है तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं, ये मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं, मस्तिष्क में पाई जाती हैं। इनसे जो उत्पन्न हार्मोन होता है, कौन से? इससे उत्पन्न, तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाओं से उत्पन्न जो हार्मोन होता है वो प्रोथोरेसिक ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है। थोरेसिक शब्द जब आता है तो मस्तिष्क से जुड़ी हुई बात होती है, तो मस्तिष्क के कई भाग, थोरेसिक भाग, उसकी जो ग्रंथियां हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं बहिःस्रावी हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करता है, तब जाके प्रोथोरेसिक ग्रंथि अपना कार्य शुरू करती है, प्रारंभ करती है। फिर रिपीट करता हूँ, तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं मस्तिष्क में पाई जाती हैं और इससे उत्पन्न जो हार्मोन है वो हार्मोन प्रोथोरेसिक ग्रंथियों पर नियंत्रण करती हैं, क्या करता है। दूसरा है कार्पोरा इराटा, ये दूसरी ग्रंथि है जिसके द्वारा दो हार्मोन पैदा होते हैं। पहला हार्मोन का नाम है नियाटोनिन और दूसरे का नाम है वृद्धि हार्मोन। नियाटोनिन और वृद्धि हार्मोन, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, नाम हमें याद आने चाहिए परीक्षा में भी। नाम अगर याद नहीं आए तो ये प्रश्न राइट नहीं होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्पोरा इराटा से कौन से हार्मोन उत्पन्न होते हैं, तो आपको बताना होगा नियाटोनिन और वृद्धि हार्मोन। नियाटोनिन क्या काम करता है, अब यहाँ प्रश्न आते हैं, नियाटोनिन क्या काम करता है? तो ये ऐसा हार्मोन है जो कॉकरोच को युवा रखता है, कॉकरोच को स्वस्थ और युवा बनाए रखने में यह हार्मोन बड़ी भूमिका निभाता है। दूसरा है वृद्धि हार्मोन, ये वो हार्मोन जो कॉकरोच में वृद्धि के लिए मदद करता है। इसका मुख्य कारण प्रोटीन का उपापचय, उपापचय प्रोटीन को तोड़ करके प्रोटीन से जो आगे की क्रियाएं होती हैं, प्रोटीन के पाचन के दौरान वो सारी क्रियाएं इसके द्वारा होती हैं। दूसरा है श्वसन दर पर नियंत्रण रखने का काम भी यह हार्मोन करता है, कौन सा? वृद्धि हार्मोन। अब आता है लास्ट प्रोथोरेसिक ग्रंथियां, ये ग्रंथियां तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाओं के द्वारा जो हार्मोन पैदा होता है उससे सक्रिय होती है, पहले इसको सक्रिय करती हैं, उसके बाद में ये ग्रंथि सक्रिय होने के बाद में ये एक टायरोसिन हार्मोन पैदा करती हैं। इस हार्मोन का काम क्या है? त्वक पतन पर नियंत्रण करना। त्वक पतन अपन सामान्य भाषा में आपने शब्द सांप के लिए सुना होगा कि सांप अपने केचुली उतारता है, तो केचुली उतारना सांप के लिए क्या कहलाता है? त्वक पतन कहलाता है। और कॉकरोच भी अपने शरीर की ऊपरी त्वचा को एक निश्चित समय के बाद भी उतार देता है, तो
उसी क्रिया को कहते हैं त्वक पतन, और ये क्रिया नियंत्रित होती है एक डायोसिन हार्मोन के द्वारा जो प्रोथोरेसिक ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न होता है। तो हमें आगे आ गया मामला कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, शॉर्ट रिविजन करें तो तंत्रिका स्त्रावी कोशिका, कॉर्पोरा इलाटा और प्रोथोरेसिक ग्रंथियां। इससे क्या उत्पन्न होता है, इससे जो हार्मोन उत्पन्न होता है वो क्या करता है, प्रोथोरेसिक ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है। दूसरा है कॉर्पोरा इलाटा से लिगनोडी और रति हार्मोन पैदा होता है जो क्रमशः कॉकरोच को युवा रहता है, प्रोटीन के उपाप है और श्वसन दर को नियंत्रण शॉर्ट कर देते हैं। और लास्ट में प्रोथोरेसिक ग्रंथियां जो इसके द्वारा तंत्रिका कोशिका तंत्रिका स्त्रावी कोशिका द्वारा सक्रिय होती है, एक डायोसिन हार्मोन पैदा करती है और त्वक पतन पर नियंत्रण करती है। धन्यवाद।